बार सलेमपुर में बस स्टेशन की लड़ाई शुरू की गई है। सोमेश्वर सिंह पूर्वांचल जी, इनके आए दिन दुर्घटना हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है एक टीचर का दुर्घटना हो गया, स्कूटी से जा रही थी, सड़क पर बस आकर रुकी और पीछे से दूसरा बस आकर के ठोकर मार दी। पूरे एक तरह से सोनाग मोड़ और बस स्टेशन एकदम जाम में जाम लगा रहता है। इस जाम में कभी कभी इतनी जाम होती है कि लोगों को इमरजेंसी देवरिया जाना हो तो बहुत दिक्कतें सहना पड़ता है और वहाँ आए दिन अक्सर जो है जाम में एक्सीडेंट भी हो जाता है। दोस्तों, आज हम सलेमपुर बस स्टैंड के बारे में कुछ बातें करेंगे पब्लिक से और देखेंगे उनका राय बस स्टैंड के बारे में क्या है। जो आए दिन एक्सीडेंट होता है सलेमपुर में बस स्टैंड ना होने के कारण यहाँ पे बस जो है वो रोड पे लगता है और आए दिन चढ़ने उतरने में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो आप आम लोगों से राय लेना चाहते हैं कि भाई बस स्टैंड के बारे में, स्टेशन के बारे में क्या आप लोग कहना चाहते हैं, कैसे ऐसे ही एक्सीडेंट होता रहे, कुछ करना चाहते हैं? चलिए, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं साहब, आपका नाम। मैं मंजूर आलम सलेमपुर भटवा धर्मपुर सलेमपुर के मैं निवासी हूं और समाजवादी पार्टी का मैं नेता भी हूं। जहां तक आपका सवाल है कि बस स्टैंड, तो बस स्टैंड सलेमपुर में जनहित के मुद्दे के लिए, जनहित के लिए बस स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। ख़ास तौर से जब से ओवर ब्रिज बन गया है तो ओवर ब्रिज जहाँ गिर रहा है उधर लार की तरफ से जो आ रहा है, आज जहाँ ये बस स्टेशन पे ओवर ब्रिज इंड हो रहा है और उधर सोहनाग मोड़ भी है, उधर से ख़ास तौर से सोहनाग की तरफ से आने वाली गाड़ी और बस स्टैंड पर बस स्टैंड खड़े बस जो है खड़े रहते हैं और उधर से सोहनाग मोड़ की तरफ से आने वाली गाड़ी और मेन वहाँ जाम हो जाता है बस के होने के नाते और उधर से सोहनाग मोड़ से गाड़ी आने की वजह से। तो वहाँ अगर यहाँ से हट के अगर कहीं दूसरे जगह अगर बस स्टैंड बन जाता तो बहुत अच्छा होता, इसलिए कि अगर बस स्टैंड से जो जाम हो रहा है और उधर बैंक भी है सोनाग रोड में, बैंकेज हैं केनरा बैंक से लेके SBI, बहुत सारे बैंकें हैं उधर, तो उधर की भी लोग लिटिल फ्लावर स्कूल है, CLL स्कूल है, उधर की भी बसें आती हैं। इधर सेंट जेवियर्स के और GM एकेडमी का उस साइड से बस आता है। तो पूरे एक तरह से सोनाग मोड़ और बस स्टेशन एकदम जाम में जाम लगा रहता है। इस जाम में कभी कभी इतनी जाम होती है कि लोगों को इमरजेंसी देवरिया जाना हो तो बहुत दिक्कतें सहना पड़ता है और वहाँ आए दिन अक्सर जो है जाम में एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो यह जनहित के सवाल पे, जनहित जनता के हित के लिए ये मेरा विचार है कि बस स्टेशन जो है उसके लिए सलेमपुर से थोड़ा आउट या तो महाधा साइड में या नवलपुर और सलेमपुर के बीच में जो ये सोनिया गांधी जैसे स्टेडियम बोला जाता था वो एरिया में ऑन रोड जो है थोड़ा दूरी पे भले हो लेकिन उसके लिए एक जगह होना चाहिए और वहाँ बस स्टेशन का अगर निर्माण हो जाता है तो सलेमपुर का तरक्की भी होगा, विकास भी होगा और होना सबसे ज़रूरी है। बस स्टेशन नहीं रहेगा तो फिर सलेमपुर का विकास भी नहीं होगा, इसलिए कि जाम ही जाम लगा हुआ है और ख़ास तौर से ज़मीन यहाँ पे कोई देना नहीं चाहता है। सलेमपुर में बहुत बार बस स्टेशन की बात हुई थी अन्य सरकारों में भी, सरकार में भी, लेकिन यहाँ पे 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए डिसमिल जहाँ मिल रहा है वहाँ कोई यहाँ देना नहीं चाहता है ज़मीन। और बाकी अगल बगल जो भी सलेमपुर के नाम से केंद्रीय विद्यालय आया ज़मीन के ही अभाव में वो चला गया चेरो, ज़मीन के ही अभाव में महिला डिग्री कॉलेज आया चला गया मझौली राज, ज़मीन के ही अभाव में ITI कॉलेज आया वो भी चला गया बंसीपार में। तो नाम है सलेमपुर का लेकिन यहाँ अगल बगल 1-2 किलोमीटर में कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ, जो सरकारी रेट है उस रेट पे कोई देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो मुझे दिक्कत महसूस हो रही है कि शायद बस स्टेशन बनाने के लिए जो अति आवश्यक है और मुनसफी न्यायालय भी स्वीकृत है सलेमपुर तहसील के लिए स्वीकृत है बहुत दिन पहले से, लेकिन यहाँ पे ज़मीन न उपलब्ध होने की वजह से आज भी मुनसफी न्यायालय भी पेंडिंग में पड़ा हुआ, यहाँ कहीं जगह नहीं मिला, कहीं निर्माण नहीं हुआ, जबकि ये शासन में और देवरिया में ये स्वीकृत हो चुका है। तो सबसे बड़ी चीज़ है सलेमपुर में ज़मीन की, अगर गवर्नमेंट अगर कहीं GS की ज़मीन हो, टाउन एरिया की ज़मीन हो या गाँव प्रधान का हो अगल बगल, वहाँ स्वीकृत कराएँ और स्वीकृत करा के रोड से कनेक्टेड
वह जगह सेलेक्ट करके आप बस स्टेशन का निर्माण कराएं, और उससे अगर निर्माण होता है तो सलेमपुर का विकास भी होगा और जो समस्याएं जाम की समस्याएं लग रही हैं, एक्सीडेंट आए दिन हो रहा है, वो समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। और हम खास तौर से यहाँ जो पार्टी सरकार में है, यहाँ की जो भी लोग जनप्रतिनिधि है, मैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जनता के हित में आप लोग जो है बस स्टेशन बनाने के लिए आप जो है प्रयास करिए और शासन से स्वीकृत जो भी फॉर्मेलिटी है वो करा के यहाँ पे स्वीकृत कराइए ताकि जनता का उसमें भलाई हो। शुक्रिया शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय बताई और जनता के बारे में भला के बारे में कुछ राय रखा, शुक्रिया। मैं आपको शुक्रिया करता हूँ। बार सलेमपुर में बस स्टेशन की लड़ाई शुरू की गई है। सोमेश्वर सिंह पूर्वांचल जी, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने कई बार जिला प्रशासन को हम लोगों ने खटखटाया, आवेदन के माध्यम से कलेक्टर से 2-3 बार मिला गया, जो इसके पहले कलेक्टर थे अमित किशोर जी, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उन्होंने शासन को भी चिट्ठी लिखा और यहाँ तहसील प्रशासन को भी उन्हें पत्र लिखा और ज़मीन की खोज होने लगी। और हम आपको बताना चाहते हैं कि सलेमपुर बस स्टैंड के निर्माण के लिए शासन से पैसा भी आवंटित हो गया है और पता चलता है कि शायद देवरिया में जिला प्रशासन के पास पैसा शासन से आ गया है। प्रॉब्लम है सलेमपुर में बस स्टैंड की ज़मीन के लिए, यहाँ का प्रतिनिधि सोया हुआ है, चेयरमैन से कोई लेना देना नहीं, MLA कितने आए और गए, सांसद को कोई मतलब नहीं। और जो नवंबर दिसंबर में जो सलेमपुर नगर पंचायत का जो चुनाव होने वाला है, अब देखिएगा यहाँ भीड़ लगेगी प्रत्याशियों की, और जो पैसा खर्चा करेगा, जो लोगों को रिझाएगा, चुतिया बनाएगा, बेवकूफ़ बनाएगा, वही लोग लड़ाई में रहते हैं। आज तक कि कोई भी सलेमपुर बस स्टैंड पर बोला ही नहीं, उसको मालूम भी नहीं है, उसको ये भी नहीं है कि जनता कितनी परेशान है। आए दिन एक्सीडेंट हो जाता है ओवरब्रिज के इस पार भी, ओवरब्रिज के उस पार भी। पहली बार सलेमपुर में बस स्टैंड की लड़ाई सोमेश्वर जी ने लड़ा। अच्छा, और हम सोमेश्वर जी को धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे जो साथी बैठे हुए हैं लोग, तमाम ऐसे बहुत से साथी हैं जो जिला प्रशासन से दो हाथ करने के लिए भी तैयार हैं। अगर ये जिला प्रशासन अगर इस चैनल के माध्यम से हमारी बात सुनता है, पैसा आवंटित है, अगर बस स्टैंड का निर्माण नहीं होता है तो सोमेश्वर जी के नेतृत्व में हम लोग तहसील को घेरेंगे और जिला को भी घेरेंगे और सरकार तक अपनी बातों को पहुँचाएंगे। देखिए, सलेमपुर में 1 लाख लोग आते जाते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकसभा भी हमारा है, विधानसभा भी हमारा है, मुख्यमंत्री भी पूर्वांचल से है, प्रधानमंत्री भी पूर्वांचल से हैं, और अंग्रेजों के समय का ये शहर है, तहसील भी हमारा अंग्रेजों के ज़माने का है, और आज तक बस स्टेशन के लिए कोई आवाज़ उठाया ही नहीं। हमारे बड़े भाई डॉक्टर दिलीप मिश्रा जी ने कहा कि भाई इस पर लड़ाई होनी चाहिए, एक राय मुश्त बन करके हमारी पूरी टीम जो है इस पर लगी और आज हम उस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि पैसा भी हम लोगों ने शासन से मंगवा लिया है, ज़मीन भी हम लोगों ने पैमाइश करवा करके शासन को भेज दिया है, सब कुछ उस पर हो चुका है। हम ही लोगों के मुद्दे पर हम लोगों के लोकप्रिय विधायिका राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी जी ने कहा था कि जो टीम की मांग है, जो बस स्टेशन की इन्होंने पहल इन्होंने जो किया है ये टीम ने, उसको हम आगे बढ़ाते हुए तत्काल प्रभाव से बनाने का काम करूँगे। तो हम नहीं देख रहे हैं कि कहीं उस पर कोई कार्य हो रहा है, इसलिए कि अभी देख ही रहे हैं कि उनको मंत्री बने काफ़ी दिन हो गए और अभी तक कुछ उस पर हो नहीं रहा, जबकि पास हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, तत्काल प्रभाव से उस पर काम चालू हो जाना चाहिए। आए दिन दुर्घटना हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है एक टीचर का दुर्घटना हो गया, स्कूटी से जा रही थी, सड़क पर बस आकर रुकी और पीछे से दूसरा बस आकर के ठोकर मार दी। तो यहाँ जान का कोई परवाह किसी को नहीं, है जनप्रतिनिधि को तो कोई मतलब नहीं है। अपने गाड़ी से लोग स्कॉर्पियो और सफारी से लोग निकलते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, लेकिन आम जनता तो इसी सड़क पर उतरती है और चढ़ती है, तो दर्द तो यहाँ के बेटों का होगा, जो हमारी टीम पूरी लगी हुई है, डॉक्टर दिलीप मिश्रा जी भी। शुक्रिया भैया।